चुनके नहीं चूना लगा के आए, याद रखिए, जनता को चूना लगाया है ईवीएम के नाम पर। डंका नहीं लंका लग रही है देश विदेशों में हमारे देश की। कभी जाकर देखिए विदेशों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यूनिवर्सिटियों में फोटो लगा रखी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की फोटो लगी हुई है, नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं लगी हुई? जो कल तक चाय बेका करता था आज पूरा देश बेक रहा है, तो तरक्की नहीं है तो क्या है? लेकिन चाय बेकने वाला देश बेक रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा हमें, इनका बस नहीं चलता। ये सुबह ये भी दिखा दे, मोदी सुबह 5 बजे बाथरूम जा रहे हैं, 5:10 पर बाहर निकलेंगे, 10 मिनट के बाद में वो पैंट पहनेंगे, उसके बाद में फिर अब टी शर्ट पहनेंगे। अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य प्रधानमंत्री करेगा तो स्कूल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन क्या शंकराचार्य करेंगे? ये देश गुलामी ऐसे हुआ कि इस देश के अंदर लोगों को आपस में लड़ा दिया गया हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। वो फकीर तो राजा बन जाएगा लेकिन आपको फकीर बना जाएगा। जैसे वो कहता है ना, मैंने 35 साल भीख मांग के खाई, तो आपको भी मंगवाएगा, आपको भी एक्सपीरियंस दिलाएगा। चिंता मत करिए, इस देश में नंबर सबका आएगा। 25 से 26 साल की उम्र में इन मोहतरमा ने पहली बार मोदी जी के राज में शौचालय देखा है। इससे पहले कौन सी नदी पर जाती थी आप? बहुत सारे काम किए ना पहले, बहुत सारे। अरे भैया, बहुत सारे काम कहाँ किए? ये अमेरिका का प्रधानमंत्री है, जो अमेरिका में ही दिखेगा काम, यहाँ दिखेगा ही नहीं। क्या काम किए हैं? एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, कितने एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, देखना रोजगार बढ़ा। इससे पहले तो पानी में से जहाज उड़ते होंगे, फ्लाइट पानी में से उड़ती होंगी। इससे पहले तो एयरपोर्ट थे ही नहीं। सड़कों का जाल बिछा दिया है, सड़कों का जाल। अच्छा, सड़कों का जाल जो बिछा दिया है आपने, इससे पहले तो सड़क थी नहीं इस देश में। कम थी ना, है कम थी। अच्छा, पहले कहीं भी जाते थे ज्यादा समय लगता था, अब 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो सड़क बना दी इन्होंने, बुलेट ट्रेन चलवा दी सड़कों पर ही, तो 2-3 घंटे पहुंच जाएंगी। नहीं नहीं, एक बात मुझे बताइए, पहले आदमी तैर के जाता था, पहले सड़कें नहीं थी, इंतजार करें बुलेट ट्रेन भी आए। मैं आपसे ये कहता हूँ, आपने जो पत्रकारिता करी है ये साल 2014 में ही करी है क्या? उससे पहले तो स्कूल ही नहीं होगा इस देश में, हम तो भूखे नंगे थे। आपको पीपल का पत्ता पहन के घूमती होंगी सड़कों पर, है ना? मोदी जी आए, आपको नए कपड़े दिलाए, आपको स्कूल बनवाकर स्कूल में दाखिला दिलवाया। मोदी जी की गारंटी पर लोग भरोसा कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी पे मैंने भरोसा किया, जाओ 15 लाख निकाल के दो, 5 लाख आपको दिए, 10 लाख ही दे दो मेरे, देव ना एक बात को पकड़ के बैठे, 2 करोड़ रोजगार दिला दो, रोजगार तो दे रहे ना। चलो हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा दिलवा दो, एयरपोर्ट बना रहे हैं ना जगह जगह, एयरपोर्ट बना रहे। अरे एयरपोर्ट तो अभी भी बने हुए हैं, आप हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा दिलवाओ ना। आपके मोदी के यानी आपके चचा के 56 इंची वाले चचा के सारे वादे झूठे हैं, इसलिए उनकी बढ़ाई करना बंद करो, उनकी गुलामी करना बंद करो, नहीं तो पता नहीं क्यों इस देश की जनता ऐसा ना हो, ऐसा ना हो मोदी जी के जाने के बाद इस देश की जनता आपको लतियाने का काम करे, याद रखिए। दिखा रहे ना अच्छे काम कर रहे हैं तो दिखाएंगे, कौन से अच्छा काम कर रहे हैं हमें तो बता दो। लेकिन मोदी इस बार 400 के पार बोल रहे हैं, इस बार है तो 400 के पार तो बिल्कुल आएंगे, ईवीएम इनकी है तो 400 के पार ही आएंगे। जी ईवीएम का आ गया जी, अब आप जब हार जाए तो ईवीएम पे ठेकरा फोड़ दे। आप एक बात जनता प्यार करती है, मोदी जी को भी जनता ही ने चुना है, 2 बार प्रधानमंत्री बने। अरे भैया एक बात आप मुझे बताओ, आपको कैसे पता जनता ने चुना है? कैसे पता आपको? चुन के नहीं आए, चुन के आए हैं, वोट है? देते हैं, चुन के नहीं चूना लगा के आए हैं। हाँ। चुन के नहीं चूना लगा के आए हैं, याद रखिए, जनता को चूना लगाया है ईवीएम के नाम पर। हाँ। याद रखिए, जनता को ये विदेशों में डंका नहीं लंका लग रही है देश विदेशों में हमारे देश की, डंका नहीं लग रहा है। जो लोग नाम भी नहीं जानते थे वो सब मोदी जी का नाम जानते। अच्छा, डंका बज रहा है। अच्छा, पहले कोई नाम ही नहीं जानता था इस देश का? अरे पहले जहाँ लोग दूसरे देश में बताने से डरते थे कि हम यहाँ से आए, गर्व से कहते कि हम भारत। अच्छा, कितने विदेश घूमी आई आप? कितने विदेश घूम के आई हो? जनता बताती है ना। कौन सी जनता? जो जनता बताती है ना उसको किसी दिन यहाँ लाके खड़ा करो। हाँ। उसको मैं जवाब दूंगा। हाँ। हमारे देश को आपको पता है, हमारे देश के सम्मान में डाक टिकटों पर फोटो लगाई गई। हाँ। कभी जाकर देखिए विदेशों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यूनिवर्सिटियों में फोटो लगा रखी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की फोटो लगी हुई है, नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं लगी हुई है? आप मुझे बताइए ना। और तरक्की और विकास हुआ है तो भैया कितनी तेजी से हुआ, आपने देखा नहीं? एक छोटा सा व्यापारी जो कल तक चाय बेका करता था आज पूरा देश बेक रहा है, तो तरक्की नहीं है तो क्या है? बर्दाश्त नहीं हो रहा कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। बर्दाश्त ये नहीं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, वेल गुड, लेकिन चाय बेचने वाला देश बेक रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा हमें। बेच दिया है? जो चीज घाटे में जा रही उसको डेवलप कर रहे, क्या बेच दिया? तो रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL आपके चाचा आपके घर में चला रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं। आप एक मिनट, आप इंजीनियर हैं क्या हैं? आपको क्या पता कि कौन से घाटे में जा रही हैं? आप ट्रेजरर लग रही हैं? है? है? अपने देश का बजट कितना है, टोटल बजट कितना है देश का? आपको बहुत पता है, इधर आओ। अरे बताओ ना इधर आके बजट। हाँ। ये माइक में हाथ में आप पकड़ लेती हो, पता कुछ है नहीं, घर से पढ़ के आती हो आपके साथ? जवाब है नहीं, आप ही बता। अरे मेरे पास सवाल का जवाब नहीं, आप दे दो। भारत देश का बजट कितना है, एजुकेशन का बजट कितना है, जरा बताओ। ये आपने पूछा है, आपका काम है सिर्फ इस देश में मोदी जी की गुलामी करने का। इनको ये नहीं पता एजुकेशन का बजट कितना है, इन्हें ये नहीं पता इस देश
ये इस देश के ऐसे पत्रकार हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, इनका बस नहीं चलता। ये सुबह ये भी दिखा दे, मोदी जी सुबह 5 बजे बाथरूम जा रहे हैं, 5:10 पर बाहर निकलेंगे, 10 मिनट के बाद में वो पैंट पहनेंगे, उसके बाद में फिर अब टी शर्ट पहनेंगे। 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, 18 घंटे काम करते, गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री। किसी मिल में मजदूरी कर रहे हैं क्या, 18 घंटे काम कर रहे हैं? जनता नहीं, काम कर ऐसा रहे हैं। काम मैं कर लूं, करते क्या है ये आदमी? जब मैं यूं आया तब विदेश घूमने चले गए, जब जी में आया तब रोना शुरू कर दिया। क्या कोई मुझे बताए प्रधानमंत्री का काम क्या? जैसे कि मजदूर का काम है मजदूरी करना, प्रधानमंत्री का क्या काम है कोई बताएगा मुझे? बताइए ना आप मुझे, मुझे आप ये बताओ, मुझे आप ये बताओ, ये प्रधानमंत्री का काम है मंदिर का उद्घाटन करना? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पृष्ठ पर ये लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेगा? प्रधानमंत्री गए थे जजवार। अरे अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य प्रधानमंत्री करेगा तो स्कूल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन क्या शंकराचार्य करेंगे? मोदी जी कर रहे हैं। ये कहो ना कि स्कूल कॉलेज और अस्पताल तो बनाए ही नहीं है, जनता को मंदिर और मस्जिद में उलझा दो, इसी के नाम पर जनता को चूना लगाकर वोट लेते रहो। इस देश की जनता वाक्य में ही अब समझ में, देखिए जब ये देश गुलाम हुआ तब तो हम थे नहीं, आज समझ में आता है कि ये देश गुलाम कैसे हुआ। ये देश गुलामी ऐसे हुआ कि इस देश के अंदर लोगों को आपस में लड़ा दिया गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। वही आज इस देश में हो रहा है, आज भी मंदिर और मस्जिद के नाम पे। अभी आप एक बात मुझे बताओ, इस देश के अंदर एक व्यक्ति जो नॉनवेज बीफ सब खाता है, उसका नाम था वसीम रिजवी, इसको इन्होंने वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी बना दिया, ठीक है जी। और हमारे ही देश के जो लोग हैं, हमारे ही जो भाई हैं, उनको ये कहते हैं कि ये शूद्र हैं, ये दलित हैं, बहुजन हैं, उनको समान अधिकार नहीं देते, उनको कभी घोड़ी नहीं चढ़ने देते, उन्हें मूंछ नहीं बढ़ाने देते। तो अपने ही लोगों को तो आप पास में, मोदी जी ये नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। इसको थोड़ा सा बदल दो, सबका साथ और सबका सत्यानाश, सर्वनाश करने के लिए ये आदमी आए हैं। और आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं आपसे पैसा लेके चला गया, अगर मैं आपका पैसा रिटर्न नहीं करूंगा तो आप मेरे घर और परिवार पर जाकर मेरे परिवार से पैसे रिटर्न ले लेंगे। अगर कल को ये देश बिक गया तो मोदी जी के तो आगे नाथ ना पीछे पगात, किसे पकड़ोगे आप जरा मुझे ये बता दो। तो नरेंद्र मोदी इस देश को बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर किसी देश में भ्रष्टाचार होता है तो वो देश तरक्की करता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार सबके बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर भ्रष्टाचार चंद लोगों के बीच सीमित रह गया तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो इस देश की इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर भ्रष्टाचार कुछ चंद लोगों के बीच में सीमित होगा तो वो देश बर्बाद हो जाएगा, और आज देश में यही हो रहा है। भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ नियमित लोगों के बीच में हो रहा है, अंबानी अडानी के बीच में हो रहा है बस, और किसी के बीच में नहीं हो रहा, या फिर हो रहा है तो भाजपा के जो गुलामी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उनके बीच में हो रहा है। मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा मोदी जी कौन सी एजेंसी में है, कौन सी एजेंसी में? वो जो कह रहे थे कि मेरे पास काले धन की इतनी लंबी लिस्ट है, कौन से तकिए में डाल के सिल दी वो लिस्ट जो निकल ही नहीं रही? भाइयों बहनों, काला धन अगर विदेश से आ गया तो 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे, यूं ही 15-20 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक कहाँ है 15-20 लाख? 15-20 लाख आना तो दूर की बात, और जो जनता के बैंक में बैंक अकाउंट थे उनको भी मान लिया और ये नीरव जैसे उड़ा कर ले गए। मौका दें, हाँ, ताकि जो बच्चे कुचे बैंक है उनको भी उड़ा दें, इसीलिए मौका दें ना, जो बच्चे कुचे बैंक है उनको भी उड़ा दें, ना रहेगा बांस और ना बच्चे की बांसुरी। झोला उठा के चल दूंगा, हाँ तो वो तो झोला उठा के चल देंगे, फक्कर फकीर है और आपको भी फकीर बना जाएंगे। वो फकीर तो राजा बन जाएगा लेकिन आपको फकीर बना जाएगा, जैसे वो कहता है ना मैंने 35 साल भीख मांग के खाई, तो आपको भी मंगवाएगा, आपको भी एक्सपीरियंस दिलाएगा। चिंता मत करिए, इस देश में नंबर सबका आएगा। आप आज दूसरे का उपहास उड़ाइए, कल नंबर आपका भी है। आप जितनी गुलामी कर रही है ना, जितनी गुलामी आप कर रही है, अगर नरेंद्र मोदी सरकार में इस देश की जनता ने इस देश के पत्रकारों को भीख नहीं मंगवा दी ना, तो वो वक्त भी आप याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।